ये है कि साल ही ऐसा है, मोदी जी के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, है ना। वो कर्मचारियों ने की है, वो व्यापारियों ने नहीं की है, वो नेताओं ने नहीं की है। हम तो घूमने की बात करें, हम तो टेररिस्ट हैं, जो मोदी बोलते थे आप तो टेररिस्ट है, इस तरह झूठ तो हमारे खिलाफ फैला है। उसके बाद महात्मा गांधी का आपको सपोर्ट है कांग्रेस का, हरियाणा पंजाब में अलग एक चलना है, यूपी का फार्म मुझे आपके साथ नहीं आना है, हरियाणा का अलग, जो हम चुनावी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एसकेएम कहाँ रहा है? ये बात सही नहीं है, कुछ स्प्लिट है बूथ स्कीम से निकाल के कुछ काम कर रहा है। कल्याण स्कीम, स्कीम इज ए नेशनल प्रोजेक्ट, 500 ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इसमें 21 स्टेट डेलीगेट्स किया गया, इट इज नॉट जस्ट बच्चों का खेल नहीं है, किसान का मांग और नमस्ते है। ये सरकार फिर कर रहा है क्योंकि किसान को पहले पैसा नहीं है, आगे सब के लिए पैसा है। ये आंदोलन तो हम करते हैं, आंदोलन किया है, जो गवर्नर में घेराव किया, जिला में आंदोलन किया, प्रचार किया, तो आंदोलन तो हम तो घूमने की बात करें, हम तो टेररिस्ट हैं, जो मोदी बोलते थे आप तो टेररिस्ट है, इस तरह झूठ तो हमारे खिलाफ फैलाया जाता है, मोदी मीडिया में इसको फैलाया बहुत सारा, मतलब लोग देख लिया है कि हम जो पीसफुल मूवमेंट किया था, गांधी जी भी देखते तो समाज देखिए तब इसको आंदोलन संभव है, पूरा दुनिया देखा था, आंदोलन हम करेंगे, दिवस नहीं हो सकता, इसको आंदोलन हम करेंगे, सचेत कर भी करेंगे, किसान जब समझ जाएगा तो ज्यादा, इसलिए हम जो बोला जो राजगंज जाके स्टेट कॉन्वेंट सब कर रहे हैं, जिला कॉन्वेंट, ये दोबारा गोल बंद करके ये आंदोलन शुरू करेंगे, आंदोलन हम राज्य में ज्यादा करेंगे। पेंशन की जो मांग कर रहे हैं आप 10,000 की, वो क्या रियलिस्टिक लग रही है कि इतने बड़े देश के अंदर 10,000 जो पेंशन की मांगे हैं सालों से, तो क्या रियलिस्टिक लग रही है कि हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आज 13-15 लाख करोड़ जो अमीरों का कर्जा माफी हो सकता है, गरीब के लिए पैसा, मिडिल क्लास कैसा है, गरीब के लिए बहुत तो हल्ला मचा देता है, अमीर के लिए उठो तो खुश है, मगर गरीब के लिए किसान खेत मजदूर का काम नहीं है, आबादी बढ़ती जा रहा है, मनरेगा में पैसा नहीं है, इसमें कोई किसी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग उसको जितना भोपाल होना चाहिए वो नहीं रहे, होना चाहिए, नेशनल डिमांड है, मेजोरिटी जनता का डिमांड है, तो ये डिमांड हम उठाते रहेंगे। दो सवाल देखिए, आपके हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है 3,000 उन्होंने कर दिया 2,500 दिल्ली में देने में, तो आप क्या पॉसिबल क्यों नहीं है, क्या 7 साल मजदूर और किसान ने देश के लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया? दो सवाल है मेरे, आपने कहा कि एसकेएम का दायरा बड़ा 26 राज्यों तक एसकेएम पहुंचा है, आपके रिलीज में भी आपने मेंशन किया है कि महाराष्ट्र में फार्मर इश्यूज की वजह से महाराष्ट्र में प्याज दूध सोयाबीन का मामला बहुत गरमाया एसकेएम खामोश है, दूसरी विपक्ष की भूमिका को लेकर एसकेएम क्या कहेगा, क्या राहुल गांधी सही से किसानों के मुद्दों को एड्रेस कर पा रहे हैं? सुनिए, एक तो महाराष्ट्र में दूध के आंदोलन जो है आंदोलन एसकेएम के संगठन संगठन करते हैं, कोई संगठन वहाँ पे नहीं है, प्याज पर सोयाबीन पर दूध पर बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है और एसकेएम का है, क्या एसकेएम सिर्फ चार? सुनिए, रोज रोज 50 मांग उठा के 200 मांग चिल्ला से उठा ले, ये भी पागलपन है। तो बहुत सारे समस्या, प्याज का एमएसपी है ही नहीं, कैसे मिलेगा प्याज होता है, करते जहाँ जो लोकल प्रोडक्ट है, जो जहाँ जो फसल होता है उसी राज्यों में स्कीम जो मेंबर है उसी राज्यों में करेंगे, ऑल इंडिया नहीं होता। नहीं, मुझे जो जानकारी है उसमें स्कीम नहीं, आपका जानकारी हम आपको भेज देंगे, कहाँ हमारे जो संगठन है महाराष्ट्र के अंदर जी वो क्या क्या काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये 3 आपने इश्यूज बताए, आपने दूध का सवाल, आपने प्याज का, सोयाबीन का, तीनों को आप नंबर दे दीजिए, आपको हम अपने संगठनों के आंदोलन की रिपोर्ट आपको भेज देंगे, तो यही काम आपसे। प्याज के लिए हम पीछे साल में जैसे प्याज का सीजन में इतना कम लगा हुआ है, तब से आज उनका दाम हमारा लीडरशिप में एसकेएम का लीडरशिप में वहाँ आंदोलन हुए, सरकार मजबूर हुए 500 रुपया का सब्सिडी देने की, नहीं मिला ना सजी, ये व्यक्तिगत हो जाएगा, खैर आपका अपना नहीं, मैं हमारा जो ये है आपसे सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग सोचेगा सर ये 330 रुपए ऐसा नहीं है,
वो लागू नहीं किया वहाँ का शिंदे सरकार बोल रहा है। तो यहाँ हमने भी एक पूरा साल यहाँ बैठे आंदोलन करने का भाव नौ दिसंबर को 21 को हमें लिख के दिया एमएसपी ये करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी 3 साल हो गया इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार, हम क्या करें? तो ये हमारा दोष नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये तो वो सरकार का दोष है। और दूसरा बात है अभी भी ये गहरी का मुद्दा लेके वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान सभा अजय भवन वहाँ का जादू शेट्टी का संगठन किसान आवास और सब लोग बहुत अजीत चौड़े हैं। राजू जी ठीक है, राजू जी आपसे बात वो भी हमारा हिस्सा है। राजू जी किसान संघ कह रहा है जो भारत का किसान है वो उसको जुड़ना चाहता है, कुछ नहीं जुड़ना चाहता है, इसके ऊपर नहीं पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारा किसान सभा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन में देखो क्या सवाल आप तो उनके सवाल है। आपने जो बोला कि फार्मर्स जीएसटी जो है देश के विकास के लिए काम करते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारा कहना ये है किसान ही ऐसा है, मोदी जी के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है ना, वो कर्मचारियों ने नहीं की है, वो व्यापारियों ने नहीं की है, वो नेताओं ने नहीं की है, वो किसी ने नहीं की है। और इसीलिए किसानों को सब्सिडाइज करने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग जीएसटी को खत्म करना चाहते है ताकि लागत में कमी आए, ताकि जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है वो कुछ कम हो, है ना। अभी दाम लगातार बढ़ रहा है, जीएसटी के साथ में और भी ज्यादा बढ़ गया है और समर्थन मूल्य उसके प्रपोर्शन में बढ़ता नहीं है। लेकिन ये हमारा सवाल, लेकिन उन्हीं के लिए सड़कें तैयार की जाती है, उन्हीं के लिए अनुदान तैयार किए जाते हैं, उन्हीं पैसे से जीएसटी सही। आप समझते तो आप ये आपके आपका एक समझ का मामला है पूरा। एक्सप्रेस जो है किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं, हम जो चाहते हैं किसानों के खेतों के अंदर जाने के लिए गांव से गांव जोड़ने का काम भी आज तक नहीं हुआ। हमने जब पदयात्रा है पिछले साल जब पदयात्रा की तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना तो चली गई लेकिन जो पास पास के गांव हैं वो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं देश के अंदर। एक बगल के गांव में जाने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगाना पड़ता है। समझिए छोटा छोटा खेतों के बीच में जाने के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है ये सवाल है और एसटीएम प्रायोरिटी को चेंज करना चाहता है भारत सरकार की। एक सवाल है जो एमएसपी गारंटी लॉ की जो बातें चल रही है और जिसके लिए एजिटेशन है सारा, क्या आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है कि इसको क्या अपोजिशन से ही सही कि इसको एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लेके आया जाए? दो बार पिछले बार 2 बिल हम लाया था, किसान तैयार किया था, राजू शेट्टी राकेश किया था, सरकार से मिला था, इसको पास कर लो, किसान का हर समस्या मेजोरिटी। जैसे सर इस साल इलेक्शन में खासतौर से कांग्रेस ने भी सब लोगों ने बातें की है एमएसपी गारंटी लॉ के देने की सबकी, क्या इन लोगों से बात की है? हमारा स्टेटमेंट में बोला जैसा प्रधानमंत्री को जहाँ चिट्ठी दे रहा है ऑपोजिशन लीडर को दे रहा है और सब पार्टी के एमपी जब मिल रहा है 17-18 हमारे जो पुराने विधेयक है जो हमने तैयार की करके दिए थे जिसका समर्थन 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था इंक्लूडिंग कांग्रेस, हम ये चाहेंगे कि वो विधेयकों को फिर से प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा जाए। उसके लिए हम लोग अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं और फिर सरकार से हम लोग कहेंगे कि वो इसको पारित करें जो हमारी पुरानी एआईकेसीसी के समय की डिमांड है। जी